स्टूडेंट क्लास 12th चैप्टर नंबर 1st सॉलिड स्टेट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूटिस इफेक्ट. तो स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टियल डिफेक्ट और हमने क्या है शॉर्ट की इफेक्ट पढ़ लिया था. तो हम क्या एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था कि जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इसको हम क्या है इस क्रिस्टल लैटिस में क्या है ये जो हम इसको पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट. ठीक है, मान लो कि क्या अगर मान लो क्या है इसको हम क्या हीट करते हैं, इस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो क्या है कोई जब हमारे इस स्पेस में कोई भी एटम, इस जगह से कोई भी एटम क्या है अपना स्पेस छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, एक जगह खाली हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं वॉइड्स. ठीक है, उसमें हमने देखा था अगर होल क्रिएट हो रहा है, फ्री स्पेस क्रिएट हो रहा है तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. इजीली इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगी, जब फ्री आयन प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था हमारा इंटरस्टियल डिफेक्ट. इंटरस्टियल डिफेक्ट में क्या था कि ये मान लो क्या है हमारी लैटिस पॉइंट है. वैकेंसी डिफेक्ट में तो मान लो क्या है यहाँ से एक एटम क्या है अपना स्पेस छोड़ के चला जाता है, अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, उसको हम बोल रहे थे वॉइड्स. ठीक है, पर इंटरस्टियल डिफेक्ट में क्या था कि मान लो ये एटम यहाँ के जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे. ठीक है, मान लो कोई नेबरिंग एटम, कोई आस पड़ोसी क्या है कोई नेबरिंग एटम यहाँ आके इस स्पेस, ये वाला स्पेस देख रहे हो, यहाँ स्पेस में आके बैठ जाए तो उसको इस स्पेस को क्या कहते हैं इंटरस्टियल स्पेस. ठीक है, मान लो क्या है यहाँ पे जो एटम यहाँ थे वहीं रहेंगे, पर क्या है कोई बाहर से नेबरिंग एटम इस खाली जगह पे आके बैठ जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट. थर्ड हमने क्या पढ़ा था हमारे पास शॉर्ट की इफेक्ट. शॉर्ट की इफेक्ट में क्या था कि उसमें ये किसके लेवल पे होती है आयनिक सॉलिड के लेवल पे, तो उसमें हम कौन सा यूज करे थे सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन यूज करे थे. तो शॉर्ट की इफेक्ट में क्या है कि एक ही कटायन जाएगा और एक ही अनायन जाएगा. जब कटायन और अनायन यहाँ से अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ के चले जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ भी स्टीशियोमेट्री क्या थी, बिल्कुल मेंटेन थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्रेंकल डिफेक्ट वहाँ होता है जहाँ पे आयनिक्स, एक तो ये आयनिक सॉलिड के लेवल पे होता है, सेकंड क्या है इसमें ये कहाँ होता है जहाँ पे क्या है कटायन और अनायन के साइज में क्या है आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिले. ठीक है, तो मेन बात इसमें क्या है कि ये आयनिक सॉलिड के लेवल पे होता है, सेकंड क्या है ये वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे क्या है कटायन और अनायन साइज पे क्या होता है कटायन और अनायन का साइज में क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो. आपको पता है सिल्वर पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को कटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को अनायन बोले. तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे कटायन और अनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो. ठीक है, अब आपको पता है कि कटायन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है और सिल्वर का साइज छोटा होता है, तो क्या करेगा जब भी हम इसको क्या करेंगे इस क्रिस्टल लैटिस को जब हम हीट करेंगे, इस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो हमारा जो सॉलिड जो हमारा कटायन है, ठीक है, अब आपको पता है कि कटायन है, अनायन का साइज तो क्या होता है हमारे पास बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है तो वो तो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जाएगा. जिसका साइज छोटा होगा, सिल्वर का साइज छोटा होने के कारण जैसे ही सॉलिड को हीट करेंगे तो ये सिल्वर यहाँ से इस पोजीशन से हटके इस पोजीशन को छोड़ के जाके कहाँ बैठ जाएगा इंटरस्टियल पोजीशन पे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है सबसे मेन बात क्या बताई है कि ये आयनिक सॉलिड के लेवल पे होता है, दूसरा इसमें क्या है ये कहाँ देखने को मिलेगा जिसमें कटायन और अनायन का साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो हमारा जो सिल्वर का साइज छोटा होने के कारण वो अपनी पोजीशन छोड़ के इस इंटरस्टियल पोजीशन पे आके बैठ जाएगा, उससे क्या होगी हमारी क्या होगी स्टोशियोमेट्री तो मेंटेन रहेगी और दूसरा डेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जितने सिल्वर एक दो
तीन चार पाँच छः, छः ही सिल्वर है हमारे और छः ही ब्रोमिन है। आपको पता है सिंपल सी बात है कि इसका रेशियो 1:1 ही होगा, ठीक है। फिर भी क्या है, जो हमारा सिल्वर है, माना कि हमने यहाँ पे यहाँ से क्या अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ आ गया, पर था तो ये लैटिस पॉइंट में, बाहर तो नहीं गया ना स्पेस को, मतलब इस लैटिस पॉइंट को तो छोड़ के नहीं गया, तो इसमें क्या है स्टोशियोमेट्री भी मेंटेन रहेगी और डेनेस्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर होल छोड़ के गया है, ना कि इस क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और दूसरी बात आपको पता है यहाँ से होल, जहाँ ये यहाँ होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया तो फ्री स्पेस मिल गया, और फ्री स्पेस होगा तो वहाँ पे क्या है आयंस की मूवमेंट इजीली हो जाएगी, और जहाँ पे फ्री आयन होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली कर जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे फ्री आयंस होंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास एक साल्ट है सर्टोनियम क्लोराइड, ये सर्टोनियम क्लोराइड क्या है कि इम्प्यूरिटीज की फॉर्म में, ध्यान से सुनना, ये सर्टोनियम क्लोराइड क्या करेगा इम्प्यूरिटीज की फॉर्म में क्या करेगा, डिफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, जब हम NaCl को हीट करेंगे तो क्या करेगा, जो सर्टोनियम क्लोराइड है वो इम्प्यूरिटी की फॉर्म में डिफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारा एक सोडियम यहाँ से और एक सोडियम यहाँ से, ठीक है, दो सोडियम मतलब दो कटायन अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर चले गए, जब हमने क्या है NaCl को हीट किया तो हमारे जो सोडियम है कटायन यहां से और यहां से क्या अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के चले जाते हैं, पर वहां क्या आता है, अब क्या करेगा जो सर्टोनियम है, सर्टोनियम पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, 2+, ठीक है। अब वो सोडियम क्या है, इस होल की यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, इस होल में कौन आके बैठ जाएगा, सर्टोनियम आयन। अब आपको पता है सोडियम के पास तो एक आयन था और सर्टोनियम के पास कितने आयन है, दो आयन है, दो आयन होने के कारण स्टोशियोमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, सेम रह जाएगी, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः सोडियम थे और छः क्लोरीन था, 1:1 था, ठीक है। मान लो अब हमारे दो सोडियम चले जाते हैं तो हमारे पास कितने रह गए, सोडियम 4 और क्लोरीन कितने थे, 6। अब आपको पता है सर्टोनियम के पास कितने आयन थे, दो आयन थे, दो आयन यहाँ पे हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। फिर भी स्टोशियोमेट्री क्या रहेगी इसकी, मेंटेन, क्योंकि उस सर्टोनियम आयन, सोडियम के पास एक ही आयन था, सर्टोनियम के आयन के पास कितने आयन थे, दो आयन, तो उन दोनों सोडियम के उसके आयन को कवर कर दिया, इसमें भी स्टोशियोमेट्री मेंटेन रहेगी। थर्ड इसमें बात क्या है, अब आपको पता है कि स्पेस होल क्रिएट हो गई, होल क्रिएट होने से क्या हो गए, यहाँ पे स्पेस बच गया और जितना फ्री स्पेस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट में भी कुछ डिफेक्ट होंगे जो स्टोशियोमेट्री को डिफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसका एग्जांपल होता है FeO, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। पहले तो ध्यान से सुनना कि ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये कहाँ देखने को मिलेगा, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं और उस ये मेटेलिक नेचर का शो होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक ही टाइप का एटम है, मान लो आयरन है, अब आपको आयरन एक ही टाइप का एटम है, बट आपको क्या है इसमें क्या है Fe2+ के रूप में भी देखने को मिलता है, Fe3+ के रूप में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आयरन का मॉलिक्यूल्स एक टाइप का एटम है, बट आपको कटायन तो अलग अलग टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं, दो टाइप्स के कटायन दिखाई दे रहे हैं, Fe2+ भी और 3+ भी, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मल्टीपल होगी इसकी, ठीक है। अब देखो कि कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पे A+ है, यहाँ B- है, A+, B- अब मान लो कि को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, अगर हम किस क्रिस्टल लैटिस को हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो हमारा A+ वाला था वो अपना स्पेस छोड़ के यहाँ से चला गया, तो उस स्पेस छोड़ गया, तो हमें क्या करना है, स्टोशियोमेट्री का काम क्या है, स्टोशियोमेट्री मेंटेन करना, डिफेक्ट कितना भी आ जाए स्टोशियोमेट्री हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा A2+, अब आपको सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ वाले के पास तो एक ही आयन था और यहाँ वाले
आयन के पास क्या है, टू पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, यही ए टू पॉजिटिव क्या करेगा, इस स्टोइकोमेट्री को मेंटेन कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन है, आयरन के अंदर आपको क्या है, टू पॉजिटिव कटायन भी देखने को मिलेगा और थ्री पॉजिटिव कटायन भी देखने को मिलेगा। उससे क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगा। अब आपको पता है यहाँ होल क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट कर जाएगी। तो इसमें मेन बात ये क्या है, मान लो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये स्पेस को छोड़ के चला गया, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या है मेंटेन करने के, कौन मेंटेन करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें टू पॉजिटिव चार्ज है। थैंक्स।